सोमनाथ का प्राचीन खुदाई में जो निकले हैं यहाँ के अवशेष प्राचीन पुरातन विभाग के, गणपति कुंभिका कुंभ प्रतिमा का ये दे रखा है तालमान, मेजरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स का भाग, ब्रह्मा आभूषण कौन कौन से होते हैं देवों के, वो ये इसका चार्ट है। अंसावली सौम्य मांगलिक शिव अप्सरा देवांगना, ये देवांगनाओं के स्वरूप हैं अलग अलग, ये डैमी गॉड एंड जैनिल दानव यानी क्षेत्रपाल पितृ दानव असुर यक्ष किन्नर नाग वसुख और ऋषि शाकनी प्रेत पिशाच बैताल और विद्याचर मालाधर देवान व्याघ्र अश्व गरुण नंदी मृग हाथी नंदी और ब्याल स्वरूप में सिंह हाथी मानव ग्रास तोता स्वान बराह सिंह। काफी नई जानकारी यह है बुबराह, ये द्वारपाल हाथ में डंडा ले रखा है, ये ब्याला, तो ये आयुध है भगवान के हाथ में जो होते हैं, कौन कौन सा से होते हैं, धनुष बाण पौष अंकुश घंटा दर्पण सर्प सिंह दंत हल मुंड कपाल कार्तिक सब है, कमंड लक्ष्माला वंशी भैरी ढोलंग पट्टीस कुकुट नकुल मृग वीणा कमंडल सूत्र कुंभक डमरू पुत्र कुंभा, बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है। आयुध यानी वेपन्स इस तरीके से, नटराज शिव पार्वती जी का ये है। आदित्य के स्वरूप फॉर्म्स ऑप्शन रुद्र वरुण सूर्य आर्यमान भगविवस्व मारुति सविता त्वष्ट विष्णु दिवाकर विवस्वान पुष्प आदित्य सुधाता मित्र आयरमणि धूमकेतु संभव गौतम भानुप्तान साचित्र विष्वर्ण केतु संतुष्ट और यह है किचक जो बना होता है मंदिर के ऊपर। कई बार सोमनाथ मंदिर टूटा है क्योंकि, तो यहाँ पर यह एक इन्होंने म्यूजियम बना दिया है। दशावतार इसमें महिषासुरमर्दिनी यहाँ पर इसका बनाया हुआ है, विष्णु शंभ स्तुप दशावतार है, ये मत्स्य कुर्मा बुद्ध अवतार कृष्ण अवतार वरा अवतार नरसिंह भगवान है ग्रीव कल्कि अवतार महामन परशुराम, श्री विष्णु के स्वरूप काली मर्दन राधिका कृष्ण गोवर्धन गौरी कृष्ण बलराम धन्वंतरी। अलंकरण ये ग्रास पट्टिका जो होती है जलाधारी के प्रकार लिंग के प्रकार दे रखे हैं, इसमें शिवलिंग कितने टाइप्स के होते हैं, पूर्ण चंद्रिका त्रिकोण मंडला पद्मा वाची यक्षी वेदी जलाधारी के प्रकार है, ये पार्वती के स्वरूप है माहेश्वरी प्रज्ञा परमिता आदिशक्ति ब्रह्माणी विश्वेश्वरा इंद्राणी चंडी वराई कौमारी सरस्वती महालक्ष्मी काली और वीणावरदान महालक्ष्मी भुवनेश्वरी अपराजिता देवी महिषासुरमर्दिनी कमला अंबिका। ये गजपीठा है यानी हाथी के जो बने रहते हैं मंदिरों पे, ये अश्व पत्थर है घोड़े पर चित्र जो कारी कर रखी पत्थर के ऊपर, ये है नरथर नरथर शिव के विभिन्न स्वरूप है, इसमें उमा योगेश्वर पार्वती शिव नित्याग्री देवी विष्णु मीनाक्षी शिविवा शिविवा शिव शिव का सनारा अंध का स्वरूप शिव नृत्य उमा विश्व विष्णु वैरनाथ विष्णु स्वरूप किरण किरणाक्ष
त्रिलोदन मोहन, हरिहर, शिवनारायण, उमा महेश्वर, देवगंबर, शिवनित्य, योगेश्वर, विष्णु, हरिहर, महापिता, हरिहरण्य, नटराज हैं ये, और यम, भैरव, उमा महेश, ललाट, तिलक शिव और भैरव, घट पल्लव, पराक्रम प्रदर्शक, पाषाण प्रतिमाएं, हीरो, ये देवियों के स्वरूप हैं, देवियों के विभिन्न स्वरूप। इसमें महाविद्या, महावाणी, सरस्वती, महार्या, ब्राह्मी, महादेनु, वेद गवाईश्वरी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, सरस्वती, महाविद्या, ब्राह्मी, महावाणी, भारती, ऐसे ही बहुत सारी हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ओम दुर्गाभ्यो नमः, ओम पार्वती देव नमः, और ये है सनवर्णा मेरु कुटा जो ऊपर की तरफ होता है, और ये शिखर बना हुआ है मंदिर का, मंदिर का शिखर। ये 9 प्लैनेट दे रखे हैं इसमें, और दिक्पाल हैं, पंचायन हनुमान, पंचायन गणेश, पंचमुख गणेश, मारुति, विश्वकर्मा का आश्रम दे रखा है, और यम, कुबेर, ये सब है। और ये है मंदिर का, इसको बोलते हैं आमलक, आमलक इस तरीके से। ये वितान है, और मुकुट कौन कौन से होते हैं, करण मुकुट, किरीट मुकुट, मुकुट जावा, जटा मुकुट, करण मुकुट, केशवन, करण गुप्त, चालुक्य, करण गुजरात, धमिला, धमिन, किरीट मुकुट और धमिला मुकुट, करंड मुकुट, जटा मुकुट, जटा मुकुट, किरीट मुकुट, मयूर पंखी मुकुट, कुंतल मुकुट, जटा मुकुट, केशवंदु मुकुट। और ये दे रखा है मंदिर का शिखर, जो है कि ये दाता युगल है, दाता युगल। और ये आसनों के हस्त मुद्राओं के प्रकार हैं, अभय, वरद, ये सूचि, कटक, कर्ण मुद्रा, गजहस्त, कटावलंब, भूमर्क, सिंह, कर्ण, विष्मय, अंजलि, ज्ञान मुद्रा, अभय। ये आसन है ललितासन, अर्धप्रक्रियासन, भगासन, वीरासन और प्रेतासन, प्रेतामन, भद्रपीठ, पद्मासन, भद्रपीठ, महाभुजपीठ, उत्कटासन, ललाट मुद्रा, आलिंडी मुद्रा, ये सब शरीर की मुद्राएं हैं। ये होली का है, प्रहलाद को लेके उस समय वहाँ पर दिलाई गई थी। और ये दक्ष भुजा शिव हैं, नंदी, नंदी बैठे हैं, ये शिव सरदार विष्णु भगवान है। और बहुत सारे देवों के इसमें नाम भी दे रखे हैं, वो इस प्रकार हैं। आइए जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और बचा है। शताब्दी का ये कलश है मंदिर का, जो होता है ये घंटी का, ये उद्गमा, ये छत ऊर्जा, छज्जा जिसको बोलते छज्जा, और ये समतल वितान है, ये कीर्ति बुक है, डिजाइन बना रखा है जो। और ये है सप्त मात्र का, ये है किंतिर्मुख,
ये तोरण बने हुए हैं। भैरव बने हुए हैं। ग्रास पट्टी का होती है ये, डिजाइनदार जो होती है। और ये है कलश, कलश है ये। तो इस तरीके से आज हमने एक विशेष आपको दिखाया पुरातत्व विज्ञान के द्वारा, ये यहाँ पर सहज के रखा गया है सोमनाथ मंदिर में। आज हमारा यहाँ आना हुआ, बहुत अच्छी जानकारी अपने सनातन धर्म की जो कि हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं। और ये स्पेशल प्रकार के बर्तन जो वहाँ पर प्रयोग की जाती है, तो ये बर्तनों के प्रकार हैं। तो आज सोमनाथ से हम आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान शिव के, सोमनाथ के जो अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं सहजकर, क्योंकि कई बार शत्रुओं ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अहिल्याबाई होलकर ने इसकी पुनर्स्थापना कराई। और अभी हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से ये सोमनाथ म्यूजियम आपने देखा। हरिओम, नमस्कार, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।